कुछ चमत्कार हो जाए। जीनी क्या करे तू, जीनी क्या करे तुम, वैसी में फंसा मुझे और मत फंसाओ, नीचे उतारो जीनी। देखो क्या देखो, पीछे मुड़ के देखो। अरे क्या देखो, पीछे मुड़े का तो देखेगा ना, बिक्की हवा में उड़ रहा है। अरे विक्की तो जमीन पे ही है, मिस्टर गांगुली वो तो जमीन पे ही खड़ा है। ना ना, हम सत्ती बोलता है, हमने अपनी आंखों से विक्की को हवा में तैरते हुए देखा है। वैसे ही हवा में उड़ रहा था ना, जैसे वो लड़की गायब हो गई थी। जू जू और एक बार हो जाए। अरे आगे भी कुछ बोलेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्या देखो मिस्टर गांगुली, अरे मुड़ेगा तो देखेगा ना, बेक्की का माथा लोट्टू की तरह घूम रहा है। अरे पीछे मुड़ के देखो, मिस्टर चतुर आगे इनका नहीं आपका माथा घूम रहा है। मुझे तो लग रहा है मिस्टर गांगुली कि आपके दिमाग में ही कुछ प्रॉब्लम है। गांगुली बाबू, डॉक्टर आपका यकीन नहीं करेंगे। आपको दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। करेक्ट डॉक्टर साहब, आप इन्हें प्लीज दवा दीजिए, मैं इनके लिए दुआ करूंगा। आफ्टर ऑल पड़ोसी किस लिए होते हैं। और डॉक्टर साहब इन्हें बहुत सारी दवाइयां देना है, ही सीरियस यू नो। मिस्टर चतुर गांगुली आप प्लीज मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ चलिए प्लीज। ये सुधरेगा नहीं, और एक बार जुजू को उड़ाना होगा। डॉक्टर बाबू, अब इक्की पे उड़ा। वही मेरी बात का यकीन नहीं करता है। अरे डॉक्टर बाबू, अरे जीनी क्या कर रही हो, उतारो नीचे। जुजू अब वही रुको, मैं आ रही हूँ। ओके जीनी, जीनी ये क्या कर रही हो, उतारो नीचे। बता रहे जीजू। अरे क्या बता रहे, सबके सामने तुमने क्या किया ये, उतारो नीचे। अच्छा ये तुमने क्या किया जीनी। वही जो करना चाहिए था। अब देख लेना, आज के बाद उस चतुर की बातों में डॉक्टर कभी नहीं आएगा। तुमने ये सोचा भी है कि जब चतुर जी मुझे मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैं हवा में कैसे तैर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जूजू इससे बेटर आइडिया आपके पास था नहीं, तो इस बात को यही भूल जाओ और मेरी एक बात का जवाब दो। क्या? जब आप उस स्वीटी पाई के साथ उस रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप उस तीखी मिर्ची को अकेला छोड़ के चले गए। अरे कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, कुछ तो है जूजू, बताओ ना प्लीज। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। लगता कोई आया है। अब सबके लिए चाय बना के लाओगी। हाय विक्की। विला तू? हाँ भाई मैं वेला ही हूँ। हाँ नहीं मुझे पता है, तो पूछ क्यों रहा। मैंने कब पूछा? अरे अभी तो तूने पूछा। वेला तू? अरे मेरा मतलब है वेला तू, इतनी रात गए इधर क्या कर रहा है? ये फिर से आ गया। अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी यार। यार पर मुझे तो आ रही है यार, बहुत आ रही है। मत आने दे, रोक ले उसे। पेट पेट पेट, क्योंकि मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी बात कहने आया हूँ। अच्छा तू भी बोल दे। एक कप कॉफी मिलेगी? ये बात करने के लिए आया तू? अरे नहीं 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 यार, मुझे तुझसे
कुछ और बहुत जरूरी बात कहनी है। Anyways, forget about coffee. तू मुझे ये बता, तू मेरा सबसे सच्चा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा दोस्त है ना? हाँ। तू मेरे घर आया था ये समझाने के लिए कि मैं जीनी को भूल जाऊं। अच्छा? वो मैंने, तू आया था और मुझे ये समझाया था कि मैं जीनी को भूल जाऊं। मैंने बहुत सोचा यार, बहुत सोचा, और अब मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि मैं जीनी को नहीं भूल सकता। धीरे बोल, धीरे बोल। मैं जीनी को नहीं भूल सकता। क्या? जोर से बोलना। मैं जीनी को नहीं भूल सकता। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया मैं। देख दोस्त, मैंने तेरी बात सुन ली है, लेकिन उसे समझने के लिए मुझे सोना पड़ेगा, है ना? तो मैं जब सुबह उठूंगा तो फ्रेश फ्रेश तुझे ऑफिस में समझाऊंगा, इसलिए तू एक काम कर, तू अभी घर निकल, सुबह ऑफिस में बात करते हैं, चलो। अरे लेकिन मुझे अभी बात करनी है। अरे क्या बात करनी है यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। दो मिनट तो दे यार। चल चल, बाय बाय, दो मिनट में तू घर पहुंच जाएगा, चल बाय बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अरे बाप रे, जूजू तीला कुछ कह रहा था? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं जीनी, मुझे बहुत नींद आ रही है ना जीनी। हाँ, ये देखो आंखें भी थक गई है ना, तो एक काम करते, मैं जाके सोता हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। हाँ, सुबह बात करेंगे। मेरे जूजू को नींद आ रही है बहुत। ठीक है, तो अब आप सो जाओ, लेकिन हम कल पक्का बात करेंगे। पक्का? गुड नाइट, बाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जूजू को मेरी इतनी चिंता है, उन्हें जलन हो रही है। वो मेरे लिए प्रिया को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ के वेला के घर पहुंच गए, और वेला से ये भी कहा कि मुझसे दूर रहे। अब बहुत जल्द जीनी नहीं, जूजू चीनी से कहेंगे कि चीनी शादी करते। इसका मतलब जूजू को भी मुझसे प्यार है, बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं, जरा सा भी नहीं, चीटी भर भी नहीं। पर कोई बात नहीं, एक दिन हो जाएगा और फिर मैं बनूंगी अपने जूजू की जीनी। जीनी कहाँ हो? जीनी, अरे बाप रे, नाश्ता नहीं करोगे मेरे प्राण नाथ? है? ये प्राणनाथ कौन है? आप मेरे प्राणनाथ हैं? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरे प्राणनाथ। प्राणनाथ? इतना पुराना नाम? वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। किस चीज की? जब मैं आपकी नई नई दुल्हन बनूंगी तो आपसे बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगी ना। दुल्हन? हाँ, शादी के बाद तो मैं आपकी दुल्हन ही बनूंगी ना। आप ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। शादी? और तुमसे? हाँ, मुझे पता है आप स्वीटी पाई को छोड़ के मुझे ढूंढते ढूंढते वेला के घर तक पहुंच गए थे, क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं वेला मुझे प्रपोज ना कर दे, क्योंकि आप मुझसे प्यार जो करते हो। है ना? एक बार कहो ना, आई लव यू। कहो ना जूजू। आई हाँ लव। हाँ,
ही नहीं। ये प्रिया प्रिया क्या लगा रखा है? उसी प्रिया को छोड़ के तुम मुझे ढूंढते ढूंढते वीरा के घर तक पहुंच गए थे, भूल गए? और वो प्रिया, प्रिया आपसे बात भी नहीं कर रही है। फोन करके देखो, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगी। बस करो चीनी, बहुत हो गया। बंद करो ये शादी की बेकार बातें। जीनी, तुम इस दुनिया में नहीं हो, भोली हो, नादान हो, इसीलिए मैं प्रिया को छोड़कर विला के आ गया, ताकि मैं उसे तुमसे दूर रख सकूं। सच? हाँ, और एक बात और सुन लो, तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ सपने में हो सकती है, सिर्फ सपने में, क्योंकि तुम एक जीनी हो और मैं इस दुनिया का इंसान। मुझे तो लगा कि मुझे अपने जूजू का प्यार मिल गया, लेकिन नहीं, जूजू को रास्ते पे लाने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। मिस कोमल, ये फाइल नहीं, मेंटेनेंस वाली फाइल। या प्रिया, प्रिया 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 प्रिया, मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए। तुम्हारे पास एक मिनट है, स्टॉप। थैंक यू बेबी। बेबी, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं सीधा वेला के पास गया, ताकि मैं उसे समझा सकूं कि जीनी के साथ घूमना फिरना बंद कर दे, यहाँ तक कि उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। क्योंकि बेबी, जिस लड़की पर तुम्हें विश्वास नहीं, उस लड़की पर मैं कैसे विश्वास करूं? और तो और, मैं विला को कैसे विश्वास करने दूं? आखिर वो मेरा सच्चा दोस्त है बेबी, और उस वक्त जीने से बचाना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसे। तुम भी तो ये चाहती थी ना, अब तुम ही मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे? मैं भी चलती रहा तुम्हारे साथ विला को समझाने, आखिर वो मेरा भी तो दोस्त है। बोलो, क्यों नहीं बताया मुझे? वो मैं बेबी, बेबी दरअसल क्या है, मैं दुनिया की कोई भी परेशानियां तुम तक नहीं पहुंचने देना चाहता, सब कुछ मैं अकेले ही झेलना चाहता था, और इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वहां अकेला चला गया था। ओह स्वीटी पाई, तो मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूँ। कहूँ? क्या? यही कि यू आर दी बेस्ट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? श्योर। यही कि आई नो आई एम द बेस्ट। आई नो बेबी, यू आर द बेस्ट। नो, आई एम द बेस्ट, और मुझसे अच्छी दुल्हन जूजू को मिल ही नहीं सकती। काश मैं किसी को बता सकती कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और काश कोई मुझे ये बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे हाँ, ये जादुई डिब्बा है ना? तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। सर्दियों में त्वचा रूखी हो या होंठ फट रहे हो, इन सब का एक ही हल है, दादी माँ के नुस्खे। ये जादुई डिब्बा ना एकदम डिब्बा ही है, कुछ भी दिखाता रहता है। आज तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। जहाँ कुछ भी काम में नहीं आता
वहाँ काम में आते हैं दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ के नुस्खे? दादी माँ के नुस्खे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरी दादी तो सब कुछ कर सकती है। उनके पास हर समस्या की हल की पुड़िया है। वो किसी भी समय किसी भी सदी में जा सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्यों ना दादी माँ के नुस्खे आजमाए जाए और उन्हें बुलाया जाए। दादी माँ आ जाओ। तुमने दादी को बुलाया है? हाँ, मैं उनकी पोती हूँ, वो भी सबसे प्यारी वाली। ठीक है। आपने मुझे पहचाना नहीं? तुकु मैं जीनी, आपकी पोती, सबसे प्यारी सी छोटी सी पोती। हाय मेरी जीनिया, जब तू डर जाती है ना तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है। मेरी जिनिया। मैं आपको देख के बहुत 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 खुश हुई। अच्छा जिनिया, तुम मुझे देखकर बहुत 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 खुश हुई हो, तो चल मैं भी तुझे देखकर ढेर 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 सारी खुश हो गई हूँ, है ना? हाँ? अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाय हाय, बिल्कुल चमक छल्लम, है ना? अच्छा मुझे बताओ कांचीपुरम में सब कैसे है? कुकू टुकू सब 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 अच्छे हैं और बहुत खुश हैं कि अब तू उस दिन से दूर हो गई है जिसने तुझे कैद किया था। हाँ, लेकिन वो तेरे 2000 साल पुराने दीवाने, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तू यहाँ आ गई है। दुगू आप भी ना। अच्छा चलिए बता, यहाँ तूने कितने को दीवाना बना रखा है अब तक? शरार गई। शरारती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।